तो फाइनली मैंने अपने गेम में कनेक्शन एरिया को ले लिया। मैं अपने कनेक्शन एरिया को इसी तरीके से एंजॉय कर पा रहा हूँ, काफी लोगों के गेम में देखने को नहीं मिलता। चलो आप लोग को अपने गेम में बता दो किस तरह से आप लोग भी अपने कनेक्शन एरिया को ले सकते हो। मैं अपने गेम में निशान जी टीआर कर को इसी तरीके से एंजॉय कर पा रहा हूँ, तो अपने निशान जी टीआर कर का चीट कोड अभी आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले। साथ ही आप लोग देख सकते हो अपने गेम में रोड रॉयल भी आ चुका है, तो रोड रॉयल का चीट कोड नंबर भी काफी लोगों को अभी तक नहीं पता है। तो आज की वीडियो आप लोगों को बताने वाला हूं अपने गेम में न्यू केटीएम और जेट टेनस बाइक का भी चीट कोड नंबर। और आज की वीडियो को आप लोग बिल्कुल भी स्किप मत कर देना, क्योंकि आज की वीडियो आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट चीट कोड नंबर और कुछ गुड न्यूज भी आप लोगों को मैं बताने वाला हूं। साथ ही अगर आप लोगों को न्यू अपडेट प्ले स्टोर पे अभी तक देखने को नहीं मिला, तो आप लोगों को आज की वीडियो को देखना पड़ेगा, क्योंकि आज की वीडियो आप लोगों को बताने वाला हूं अपडेट को कैसे सीक्रेट तरीके से कर सकते हो। जैसे कि मैंने अपना न्यू अपडेट कर लिया है, अपने गेम में सारे चीट कोड नंबर लिखने के लिए रेडी हो जाओ या फिर याद भी कर सकते हो। मैं आप लोगों को चीट कोड नंबर जल्दी से दिखाता हूं, साथ ही अपना न्यू अपडेट भी करके दिखाता हूं। बिना किसी देरी वीडियो को स्टार्ट। इंट्रो के बाद आ चुका हूं फिर से। अभी आप लोग अपने गेम में न्यू कनेक्शन एरिया की लोकेशन नहीं पता होगी, आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे अपने न्यू कनेक्शन एरिया कहां पे ऐड हुआ है और उसकी लोकेशन कहां पे देखने को आप लोगों को मिलेगा, कैसे आप लोग अपने गेम में कनेक्शन एरिया को एंजॉय कर पाओगे। आज की वीडियो को अपने गेम में देखने के बाद आप लोग को अपने गेम में कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आज की वीडियो हम लोग अपने गेम में निशान जी टीआर कर का दो न्यू बाइक का और रोड रॉयल का चीट कोड नंबर भी देखने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं अपने गेम में जो कनेक्शन एरिया है वो कौन सी जगह पे ऐड हुआ है और कौन सी उसकी लोकेशन होने वाली है। तो सबसे पहले आप लोग मैं कर लेता हूं अपने गेम में इनफिनिक्स को, उसके बाद अपने गेम में कोई अदर व्हीकल्स को आप लोग स्पॉन करवा सकते हो। तो मैं अपने गेम में ओल्ड वाली अपनी जेट टेनस बाइक को स्पॉन करवा लेता हूं। अभी इसका न्यू मॉडल भी दिखाऊंगा और उसका चीट कोड नंबर बताऊंगा और निशान जी टीआर कर का चीट कोड मैं बताऊंगा। बढ़ते हैं अपने न्यू कनेक्शन एरिया की लोकेशन पे। तो जैसे कि मैं जा रहा हूं, आप लोगों को भी इसी तरह से न्यू साइड न्यू हाउस से इधर की साइड को जाना है, जैसे कि मैं जा पा रहा हूं। आप लोगों को यह चीज का ध्यान रखना है, इस लोकेशन को आप लोग ध्यान से देखना है, क्योंकि अदरवाइज अगर आप लोग कहीं और लोकेशन पे पहुंच जाओगे तो कनेक्शन एरिया आप लोगों से मिस हो जाएगा। आप लोगों को बिल्कुल सीधा सीधा जाना है, जैसे कि मैं जा पा रहा हूं। आगे चलने की साइड आप लोग अपने गेम में ही देखने को मिल जाएंगे इतने बड़े बड़े रैंप। तो आप लोग ये चीज का ध्यान रखना है, आप लोग कनेक्शन एरिया के दोनों ये बड़े बड़े रैंप को ऐड करा गया है। साथ ही ये तो पहले से ही थे। कनेक्शन एरिया के पास में आप लोग को अपने गेम में कार शोरूम भी देखने को मिल जाता है। तो आप लोग अपने गेम में जैसे इसके पास में आओगे तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, आप लोग का जो कनेक्शन एरिया वो आप लोग को इस तरह से देखने को मिलने वाला है। इधर की साइड आप लोग अपने गेम में रैंप देखने को मिल जाते हैं और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मैं अपने गेम में कनेक्शन एरिया पे आ चुका हूँ। जैसे कि आप लोग देख सकते हो ऊपर की साइड अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पे ब्रिज भी बन रहा है और ब्रिज के साथ साथ आप लोग यहाँ पे देख सकते हो ये कुछ सीमेंट भी पड़ा हुआ है, जिसको आप लोग अपने गेम में जेसीबी से खो सकते हो या फिर नहीं खो सकते, ये भी आप लोग मैं बता देता हूँ। तो मैंने अपनी जेसीबी से ट्राई करके देखा था कि इसके जेसीबी से अपने सीमेंट को हटा सकते हैं या नहीं हटा सकते, तो गाइस इसको हम लोग हटा नहीं सकते। अभी आप लोग अपने गेम में कनेक्शन एरिया में और क्या क्या चीज ऐड हुई है, थोड़ी सी आगे चलोगे आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, आप लोग को नीचे यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं लाइने, मतलब आप लोग अपने गेम में चारों तरफ से यहाँ पे कार को भी इजी तरीके से रेसिंग लगा सकते हो, ठीक है। एंड साथ ही सामने की साइड आप लोग को अपने गेम में कनेक्शन एरिया का काम देखने को मिल जाता है, कुछ टूटी फूटी बिल्डिंग देखने को मिल जाती है और साथ ही आप लोग देख सकते हो इधर आप लोग को एक और न्यू हाउस देखने को मिल जाते हैं, जो कि काफी ज्यादा यूनिक देखने को मिल जाता है। तो अंदर से आप लोग इन चीजों को भी एंजॉय इजी तरीके से कर सकते हो। गेम में कनेक्शन एरिया को आगे से मैं आप लोगों को अच्छे से क्यों नहीं दिखा पा रहा हूं, अभी हमारे गेम के डेवलपमेंट में कुछ इधर की साइड से अपने कनेक्शन एरिया को पूरा वर्क कंप्लीट कर दिया। बाकी आप लोगों को मैं बता दूं अपने कनेक्शन एरिया को आप लोग कैसे ले सकते हो और मैंने अपने गेम में कनेक्शन एरिया को कैसे लिया। तो आप लोग को अपने गेम में कनेक्शन एरिया को लेने के लिए सबसे पहले न्यू अपडेट को करना पड़ेगा और साथ ही अपने गेम में निशान जी टीआर का चीट कोड नंबर, रोड रॉयल का और दो न्यू बाइक का चीट कोड नंबर भी जल्दी से बता दो। लेकिन उससे पहले आप लोग अपने गेम में न्यू अपडेट को करके दिखाता हूं। तो न्यू अपडेट काफी लोगों को प्ले स्टोर पे देखने को नहीं मिला होगा, तो अपने न्यू अपडेट को कैसे करना है आप लोगों को ये भी बता दो। तो इस लोकेशन पे आप लोग आने के बाद न्यू कनेक्शन एरिया को एंजॉय कर सकते हो, लेकिन उससे पहले आप लोगों को न्यू अपडेट करना पड़ेगा। न्यू अपडेट के लिए इंडियन मैक क्रेडिट जैसे प्ले स्टोर पर सर्च करोगे आप लोगों को यहाँ पे अपडेट देखने को मिल जाएगा, लेकिन काफी लोगों को अपडेट देखने को नहीं मिला। तो अपडेट को कैसे करना है वो आप लोगों को मैं लास्ट में बताने लो। अभी आप लोग अपने गेम में निशान जी टीआर का चीट कोड नंबर लिख भी सकते हो या फिर याद भी कर सकते हो और साथ ही अपने गेम में न्यू रोड रॉयल का और साथ ही अपने गेम में न्यू बाइक्स के चीट कोड नंबर जल्दी से मैं आप लोगों को दिखा देता हूं। आप लोग अपने गेम में इसी तरीके से 9000 को डायल करके एक स्प्लेंडर को स्पॉन करवाना है, उसके बाद आप लोगों को बिल्कुल भी हिलना नहीं है। एंड उसके बाद आप लोग को अपने गेम में एक न्यू जेट पैक को स्पॉन करवाना है, जो आप लोगों का फेवरेट देखने को मिलता है, तो मेरे तो ये वाला फेवरेट है, मैंने इसको स्पॉन करवाया। आप लोग को अपने गेम में न्यू चीट कोड नंबर दिखाने से पहले आप लोगों को एक छोटी सी ट्रिक को भी बता रहा हूं, तो ट्रिक को आप लोग ध्यान से देखना है, ट्रिक में काफी ज्यादा आप लोगों को मजा भी आएगा। आप लोगों को इस तरह से बैठने के बाद आप लोगों को इसको ड्राइव करना है, ड्राइव करने के बाद आप लोगों को इसी तरीके से आप लोगों के जैसे करेक्टर है, जैसे आप लोगों का जेट पैक नीचे गिर जाएगा आप लोगों को उतर जाना है और आप लोग उसके बाद अपने करेक्टर को इस तरह से एंजॉय कर पाओगे, मतलब आप लोगों का कैमरा एंगल यहीं पे रह जाएगा और आप लोग अपने गेम में इसी तरह से करेक्टर को इसी तरह से इस तरह से ड्राइव कर सकते हो। मतलब आप लोगों को ऐसा लग रहा है मुझे तो जैसे कि मैं अपने गेम में करेक्टर को रिमोट कंट्रोल मैंने बना लिया और बाइक रिमोट कंट्रोल में कन्वर्ट हो गई है और आप लोग अपने गेम में इसी तरह से इसको एंजॉय कर सकते हो। एंड मेरे को काफी ज्यादा मजा भी आ रहा है। और गाइस जैसे आप लोग अपने गेम में एग्जिट लोगे उसके बाद आप लोग देखोगे आप लोगों का जो करेक्टर है वो इसी तरह से नीचे की साइड चला जाएगा अनंत बम्बाड़ में, मतलब आप लोग अपने गेम में इस तरह से, फिर आप लोगों का जो जेट पैक है वो इस तरह से ही रहेगा।
करेगा और बिल्कुल भी हिलेगा नहीं अपनी जगह से। ठीक है, काफी ज्यादा यूनिक ट्रिक है, मेरे को इस ट्रिक में काफी ज्यादा मजा है, तो आप लोग अपने गेम में ट्राई करके देखना, आप लोगों को भी काफी ज्यादा मजा आएगा। बढ़ते हैं अभी अपने गेम में न्यू चीट को नंबर साइड, तो आप लोग अपने गेम में चीट को नंबर जल्दी से लिख लो। तो आप लोगों को सबसे पहले बताना चाहूंगा, आप लोग अपने गेम में कौन से चीट नंबर से निशान जीटीआर कार को स्पॉन कर सकते हैं, आखिर कौन सा चीट को नंबर से निशान जीटीआर कार स्पॉन होने वाले। तो अपने गेम में निशान जीटीआर कार को ले लिया, मैं अपने निशान जीटीआर कार को इसी तरीके से एंजॉय भी कर पा रहा हूं। अब अपने निशान जीटीआर कार को मैंने कैसे लिया और आप लोग अपने गेम में निशान जीटीआर कार को कैसे ले सकते हो, आखिर इसका जो चीट को नंबर है वो क्या होने वाला है, ये भी आप लोग मैं बता देता हूं। अपनी जो निशान जीटीआर कार का चीट को नंबर वाला है, जैसे आप लोग अपने गेम में डायल करते हो 888 और अपने गेम में 11, तो आप लोग के गेम में देखने को मिल जाती है इसी तरीके से फरारी कार। जैसे आप लोग अपने गेम में डायल करोगे 81 एंड उसके बाद 23 लगाओगे, आप लोग के गेम में आ जाएगी मस्टैंग कार। ये काफी अंदर को अपने गेम में कुछ सुपर कार भाई बोल रहे थे, अपने गेम में कुछ सुपर कार कोई चीट कोड नंबर बताओ, तो आज की वीडियो में हम लोग अपने गेम में कुछ सुपर कार के चीट कोड नंबर देख लेते हैं, जिसमें एक निशान जीटीआर कार का चीट कोड नंबर भी है। ठीक है, जैसे आप लोग अपने गेम में 700 लगाओगे, आप लोग के गेम में न्यू लैम्बोर्गिनी आ जाएगी। जैसे आप लोग अपने गेम में 300 लगाओगे, आप लोग के गेम में आ जाएगी न्यू सुपर कार टार्जन। ठीक है, गेम में लगाओगे 900 तो आप लोग के गेम में आ जाएगी एक न्यू सुपर कार, और जैसे आप लोग अपने गेम में 4000 लगाओगे तो आप लोग के गेम में सबसे सुपर कार पोर्शे कार देखने को मिल जाती है। जैसे आप लोग अपने गेम में लगाओगे 800 तो आप लोग के गेम में सुपर कार बुगाटी देखने को मिल जाती है, और जैसे आप लोग अपने गेम में लगाओगे 500 तो आप लोग के गेम में और भी ज्यादा सुपर कार ओडी देखने को मिल जाती है। न्यू निशान जीटीआर कार का चीट को नंबर क्या होने वाला है और अपने गेम में कौन से चीट को नंबर से निशान जीटीआर कार को स्पॉन करवा सकते हैं, मैंने आप लोगों को इतनी सारी सुपर कार का चीट को नंबर बता दिया, अब आप लोग अपने निशान जीटीआर कार का चीट को नंबर भी बता देता हूं जल्दी से। तो निशान जीटीआर कार आप लोग यहां पे देख सकते हो, मैं अपने निशान जीटीआर कार को इसी तरीके से एंजॉय कर पा रहा हूं। तो मैं आप लोगों को बता दूं निशान जीटीआर कार को मैंने कैसे लिया एंड इसका चीट को नंबर क्या होने वाला है। काफी लोगों को अभी तक अपने गेम में निशान जीटीआर कार का चीट को नंबर नहीं पता, उसके बाद हम लोग अपने गेम में उसके बाद आप लोगों को न्यू अपडेट कैसे करना है ये भी आप लोगों को मैं बताने वाला हूं। तो अपनी जो निशान जीटीआर कार मैंने यहां पे ले रखी है, मैं निशान जीटीआर कार को जो एंजॉय कर रहा हूं वो आप लोगों को अपने गेम में इस बार के अपडेट में देखने को मिलने वाली है, एंड इसका जो चीट को नंबर है वो आप लोगों को इस बार के अपडेट में देखने को मिलने वाला है। बाकी हम आप लोगों को इसका चीट कोड आगे बताने और भी आप लोग अपने गेम में बता दो न्यू बाइक कौन कौन सी होने वाली है। जैसे आप लोग अपने गेम में 400 डायल करोगे, आप लोग के गेम में आ जाएगा इसी न्यू जेट टेनस बाइक। ये तो अपने गेम में ओल्ड मॉडल हो जाता है, ये मॉडल काफी ज्यादा पुराना है, पहले से भी बहुत पहले देखने को न्यू मॉडल का क्या चीट कोड नंबर होने वाला है, जिससे कि अपने गेम में न्यू जेट टेनस बाइक स्पॉन हो। तो इस बार के अपडेट में गेम के डेवलपर पे इस बार के अपडेट में जो ओल्ड वाला मॉडल देखने को मिलता था उसको रिमूव करने वाले थे एंड उसकी जगह अपने गेम में न्यू मॉडल को ऐड करने वाले थे, लेकिन आप लोग यार काफी ज्यादा कमेंट करके बोल रहे थे ओल्ड वाले को भी रिमूव मत करवाना और न्यू वाले को भी ऐड करवा दो। इसी समस्या को देखते हुए हमारे गेम के डेवलपर पे ओल्ड वाले को रिमूव नहीं करा और न्यू वाले को भी रख रहन दिया। ठीक है, बाकी इस बार के अपडेट में आप लोगों को अपने गेम में कुछ न्यू वाला मॉडल इस तरह से देखने को मिलेगा और ओल्ड वाला इस तरह से देखने को मिलेगा, तो इस बार के अपडेट में आप लोगों को दोनों ही बाइक देखने को मिलने वाली है। बाकी इस बार के अपडेट में आप लोग अपने गेम में उसके ऊपर आरजीबी कलर कर सकते हो, जेट टेनस के ऊपर लाइट कलर कर सकते हो, काफी ज्यादा कलर कर सकते हो आप लोग अपनी मर्जी से। ठीक है, अब आप लोगों को मैं बताता हूं अपने गेम में कौन सी न्यू बाइक आने वाली है। सेकंड अपने गेम में सेकंड बाइक है अपने गेम में 1210 डायल करने से हमारे गेम आएगी केटीएम। केटीएम का चीट को नंबर आप लोगों को मैं बता दिया इस बार के अपडेट में अपने गेम के डेवलपर बोला है। इस वाले अपडेट में आप लोग की ये जो ये केटीएम देखने को मिलती है उसके पास में अगर आप लोग जाओगे तो इसके पास जाने के बाद आप लोग को इसके ऊपर कलर करने का ऑप्शन देखने को नहीं मिलता, मतलब आरजीबी और रेड या फिर ग्रीन वगैरह आप लोग के काफी ज्यादा मेरे पास कमेंट आ रहे थे। इसी समस्या को देखते हुए हमारे गेम के डेवलपर ने इसको रिमूव कर दिया पूरा और न्यू मॉडल को ऐड कर रहे हैं, क्योंकि इसके ऊपर आप लोग अपने गेम में आरजीबी और भी बहुत सारे कलर कर सकते हो और उसको एंजॉय कर सकते हो। अभी आप लोग सोचेंगे भाई अपने गेम में इन सभी के चीट को नंबर तो बताओ, ये तो आप लोग बता रहे हो न्यू अपडेट में इन सभी के चीट को नंबर आप लोग मैं जल्दी से दिखाता हूं। उसी के साथ कडक्शन एरिया आप लोगों को कहां पे देखने को मिला, कैसे आप लोग के गेम आएगा ये भी आप लोग मैं बता देता हूं। लोकेशन पे जाने के बाद मैं आप लोगों को बता दूं हमारे जो गेम के डेवलपर हैं उन्होंने बोला इस बार के न्यू अपडेट में आप लोग अपने गेम में कडक्शन एरिया देखने को मिलेगा, जैसे कि आप लोग अपने गेम में पिछले वाले के न्यू अपडेट में पुलिस स्टेशन को ऐड करा, इस बार के अपडेट में कडक्शन एरिया को ऐड कर रहा हूं और आप लोग अपने गेम में कडक्शन एरिया इसको जिस तरह से देखने को मिलेगा। बाकी आप लोग कमेंट करके बताना इस बार के अपडेट में क्या कडक्शन एरिया के अंदर कुछ ऐसी भी चीजों को ऐड करना चाहिए जिससे कि आप लोग अपने गेम में मट्टी को भी खोद पाओ या फिर नहीं खोद पाओ। इस बार के अपडेट में अगर आप लोग ज्यादा कमेंट होंगे तो इस बार के अपडेट में वो भी चीज को मैं ऐड करवा दूंगा। बाकी अब आप लोगों को मैं बता दूं अपने गेम में न्यू रोड रॉयल का क्या चीट को नंबर है और रोड रॉयल को आप लोग अपने गेम में किस तरह से स्पॉन कर सकते हो। 6677 डायल करके जेसीबी स्पॉन हो जाती है और आप लोग अपने गेम में जेसीबी को एंजॉय कर सकते हो। साथ ही अपने गेम में सेकंड चीट कोड है, जैसे आप लोग अपने 6676 लगाओगे आप लोग के गेम में आ जाएगा फायर इंजन। तो आप लोग को बता दूं इस बार के अपडेट में आप लोगों को अपने गेम में एक न्यू चीट कोड देखने को मिलने वाला है, जो कि आप लोग को बता दूं इस बार के अपडेट में न्यू रोड रॉयल भी आ सकता है या फिर उन्होंने बोला गेम के डेवलपर में कुछ बड़ी चीज आप लोगों को इस बार के अपडेट में देखने को मिलेगी, तो रॉयल होगा या फिर उसकी जगह आप लोगों को अपने गेम में कुछ बड़ी चीज और भी देखने को मिल सकती है। अभी उन्होंने आप लोगों के लिए सब्सक्राइब रखा है तो आप लोग अपने गेम में आने वाले अपडेट में वो देखने को ऑटोमेटिकली मिल जाएगी। बाकी अभी तो अपने गेम में 50% चांसेस हैं रोड रॉयल में, बाकी अगर आप लोग चाहते हो इस बार के अपडेट में उसको भी मैं ऐड करवाऊं तो रोड रॉयल ओपी लिख देना। बाकी अब आप लोग मैं बता दूं इस बार का अपडेट को कैसे कर सकते हैं और मैंने अपने अपडेट करके किस तरह से मैं इन सभी चीजों को एंजॉय कर रहा हूं और आप लोग भी अपने गेम में किस
सर से इंजॉय कर सकते हो। तो गाइस मैं आप लोगों को बता दूं, मैंने काफी ज्यादा रिसर्च करी रात के 12-1-2 बजे तक, बट मुझे ऐसा कोई भी ट्रिक नहीं पता चली जिससे कि मैं अपना न्यू अपडेट प्ले स्टोर से कर पाऊं। तो फिर मैंने सोचा यार इतनी ज्यादा मेहनत करने के बाद भी मैं अपना न्यू अपडेट नहीं कर पा रहा हूं, तो आखिर आप लोग भी अपनी इतनी ज्यादा मेहनत करोगे न्यू अपडेट भाई प्ले स्टोर पर हमारा क्यों नहीं देखने को मिला और हमारे गेम में निशान जीटीआर कार वगैरह क्यों नहीं देखने को मिल रही है। तो मैं आप लोग के इतने कमेंट के बाद मैंने गेम के डेवलपर से डायरेक्टली पूछ लिया कि सर अपना न्यू अपडेट कब तक प्ले स्टोर पर आ जाएगा और कब तक हम अपना न्यू अपडेट प्ले स्टोर से कर पाएंगे। तो हमारे जो गेम के डेवलपर हैं उन्होंने बोला आप लोगों को जो न्यू अपडेट देखने को मिलने वाला है वो आप लोगों को देखने को मिलेगा इस मंथ के लास्ट में, यानी कि उन्होंने बोला अपने गेम में 1 से या फिर 2 तारीख के बीच में आप लोगों को न्यू अपडेट प्ले स्टोर पर दे दिया जाएगा। मैंने पूछा गेम के डेवलपर से सर न्यू अपडेट तो 5 अप्रैल को आएगा लेकिन उसके अंदर क्या क्या चीजें आने वाली है, ये ऑडियंस काफी ज्यादा रिकमेंड कर रही है। इस बार के अपडेट में सर ने बोला इस बार के अपडेट में निशान जीटीआर कार का पूरा वर्क कंप्लीट हो चुका, तो निशान जीटीआर कंफर्म देखने को मिलेगी। सेकंड अपने गेम में न्यू जेट एनएस बाइक देखने को मिलेगी, केटीएम बाइक देखने को मिलेगी, कटेक्शन एरिया देखने को मिलेगा, रेन मोड को भी अगर टाइम मिलता है तो रेन मोड को भी ऐड करूंगा। साथ ही इस बार के अपडेट में सर ने बोला अपने गेम में और भी कुछ न्यू चीज को ऐड करूंगा। अभी गेम के डेवलपर पर बोला कि कटेक्शन को एरिया को पूरा कंप्लीट करने के बाद अब ऑडियंस अपने गेम में सेकंड अपने गेम में और कौन सी चीज को आप लोग ऐड करवाना चाहते हो उसके ऊपर आप लोग कमेंट कर देना कि इस बार के न्यू अपडेट में आप लोगों को कुछ इतनी चीजें देखने को मिलेगी। अपडेट के मैंने फिक्स डेट बता दिए, उस तारीख को आप लोगों को न्यू अपडेट देखने को मिलेगा, तो आप लोगों को बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप लोग लेकर मैं बैठा हूं और आप लोग अपने गेम में सारी चीट को नंबर सबसे पहले प्रोवाइड करता रहता हूं। तो आप लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया लाइक कर लेना, सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लेना, ऐसे मुझे लाइफ टाइम में जाने के लिए। बाकी आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी एंड वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, लाइक नहीं किया सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लेना, सब्सक्राइब करने से आप लोगों का फायदा होता है, सबसे पहले आप लोगों को चीट को नंबर मिलते रहते हैं। बाकी मिलता हूं आप लोगों से 2 सेकंड में, जब तक लेता हूं आप लोगों से गुड बाय, टेक केयर।